तो गाइस मुझे इन भैया ने छोड़ा है यहाँ पर हॉस्पिटल में, जहाँ जट भाई एडमिट है। विवेक नाम है इनका भैया। अभी हम हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूँ मैं, अंदर जाके दिखाता हूँ आपका थोड़ा सा व्यू, देखते हैं हॉस्पिटल में एडमिट है नहीं है वो पता नहीं अभी तक। और बाकी जो अपडेट है वो इस हॉस्पिटल का नाम जो है वो नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी यहाँ पर। इंडिया से जो राइडर है ना जट प्रभजोत सिंह, उनका एक्सीडेंट हुआ है काठमांडू में, इमरजेंसी में। दोरमन का या हाँ बाहर का है ना? कौन बाहर का है ना वो? हाँ हाँ इंडिया से आए हैं काठमांडू में। एक बार इमरजेंसी में पूछ लो, इमरजेंसी में था दो हाँ। तीन दिन इसीलिए। अच्छा दो तीन दिन इसी इमरजेंसी में थे। मिलना है हाँ तो भाई से मैंने अभी पूछा तो इन्होंने बताया कि इमरजेंसी में है फिलहाल, वो दो दिन पहले थे, अभी का पता नहीं है या नहीं, यहाँ से भी शिफ्ट हो गए पता नहीं, इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा इस हॉस्पिटल का। बाकी तबीयत कैसी है उसे, अभी भी आईसीयू में रखा गया इमरजेंसी में, तो पता नहीं तबीयत कैसी है, लेकिन जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिखी थी उसमें तो सही बता रहे थे। तो गाइस वापस हॉस्टल में पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंधेरा हो गया, और अभी मैं मिल तो नहीं पाया जट भाई से, लेकिन वहाँ पे काम करने वाला था हॉस्पिटल में, उसने बताया कि वो इमरजेंसी वार्ड से अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं। पहले इमरजेंसी में थे, इमरजेंसी को वार्ड बोलते हैं क्या पता मुझे पता नहीं, लेकिन वो इमरजेंसी में थे, लेकिन कल हुए हैं उसने ऐसा ही बोला, कल हुए हैं वार्ड में शिफ्ट, अभी वो वार्ड में ही है वार्ड में। मैंने उनसे कहा कि मिल सकता हूँ क्या मैं उनसे, तो बोले पास वगैरह कुछ चाहिए होगा, उसके बिना नहीं मिल सकते। ठीक है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि अभी भाई ठीक है, इमरजेंसी से बाहर है तो ठीक होंगे, तभी वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। बाकी भाई आप लोग बने रहिएगा।